15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की सरहद पर अपना फर्ज निभा रहे फौजी भाइयों के मनोदशा पर एक देशभक्ति गीत ऑडियो एल्बम चिट्ठियों का लोकार्पण सोमवार को DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर के द्वारा विकास भवन के सभागार में किया गया। इस अवसर पर कैसेट के निर्माता निदेशक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज विभाग के लोगों द्वारा चिट्ठियों एल्बम का लॉन्च किया गया है। इसमें देश की सरहद पर अपना फर्ज निभा रहे फौजियों और उनके परिवार वालों की मनोदशा को दर्शाया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, नई उभरती हुई कंपनी है जिसमें कि हमारे पंचायती राज विभाग के स्टाफ लगे हुए हैं, जो कि चिट्ठिया के नाम से इन्होंने एक एल्बम बनाया हुआ है। ये एल्बम एक्चुअली जो फौजी भाई हैं हमारे, जो कि सरहद के इस पर लड़ाइयाँ लड़ते हैं सरहद पर जाकर के, उनके मनोदशा को, उनके परिवार की मनोदशा को, कि कैसे वो जब लड़ाई करते हैं या जब शहीद हो जाते हैं तो कैसे अंत समय में उनके दिमाग में क्या विचार आता है, उनके घर वाले कैसे परेशान रहते हैं उनके लिए, देश की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते जब वो शहीद होते हैं, उसको बहुत अच्छे से पूरी मनोदशा को, पूरे परिवार की मनोदशा को, उनकी मनोदशा को बहुत अच्छे से इसका चित्रण किया गया है। बहुत अच्छे से गायकी भी इसमें जो भी कलाकार है विनय श्रीवास्तव जी और शेखर मधुर जी, इन लोगों ने बहुत अच्छा से इसको गाया भी है। इसी का लॉन्चिंग था, जो कि हमारे विभाग से संबंधित था, प्लस एक आर्मी से रिलेटेड था। 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए इसकी लॉन्चिंग हम लोगों ने करी है।